हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल केएसपी चैनल। आज हम आपको बोराना कंपनी की मोटर 7.5 HP की वाइंडिंग करके दिखाएंगे। पूरी वाइंडिंग ये देखिए 7.5 HP है। ये बोराना कंपनी की मोटर है। हम इसके आपको फुल वाइंडिंग करके दिखाएंगे। ये देखिए, तो चलिए हम इसकी वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये हमने पीवीसी पेपर डाले हैं इसमें अंदर, और हमको 8 स्लॉट बीच में छोड़ना है, 10 और 12 पे पीछे रखना है। ये इस प्रकार से हमको ये पहली क्वाइल लेना है, और इस प्रकार से हमको सेट कर लेना है इसको। इस प्रकार से हमको ये ले लेना है पहली क्वाइल, और ये देखिए इस प्रकार से हमको बिठाना है। ये है, ये देखिए ऐसे बैठ गई है हमारी। अब हमको ये एक इसमें स्टिक डलती है, ये हमको डालना है इसमें ऊपर से। इस प्रकार से डाल देंगे हम। दूसरी साइड का भी हम ये पीवीसी पेपर निकाल लेंगे, और इसमें भी हम ऐसी स्टिक एक डाल देंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्लॉट हमने बीच में खाली छोड़ी है। 10 पे 10 और पे बिठाई है हमने, ये 10 और 12 पे हमको पीच रखना है इसका। इस प्रकार से हमको अंगूठों की मदद से कॉइल को दबाना है और जमाना है, ताकि हमारी ऊपर वाली जो कॉइलें बिठाए हम वो ठीक से बैठ जाए। ये देखिए इस प्रकार से ये हमने दबा दी है। इसी प्रकार से हमको इधर की साइड भी ये देखिए हमारी एक कॉइल ये बिठा दी है हमने। अब दूसरी कॉइल भी हमको इसी प्रकार से पीवीसी पेपर डालना है। ये पेपर हम इसलिए डालते हैं कि इसमें हम वायर जो बिठाते हैं तो पंचर अंचर होने की डर नहीं रहती है उससे। ये देखिए दूसरी कॉइल इस प्रकार से लेना है वापस से। देखिए ये इस प्रकार से हमको वापस दूसरी कॉइल इसमें डालनी है। ये देखिए ये हमारी दूसरी, ये स्टिक हमको हर कॉइलों में डालना है, जरूरी है। हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ये देखिए हमारे दो कॉइलें इसमें कंप्लीट हो गई है।
अब हमारी दो कॉयलें इसके जस्ट सामने डलेगी। ये एक ग्रुप में चार कॉयलें होती है। अब ये दो कॉयलें हमारी यहाँ इसके सामने डलेगी। ये देखिए वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें। हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे, आपको इसका डाटा भी बताएंगे आगे, हम कितने टन लगेंगे, कौन सा गेज लगेगा, सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। वीडियो पे बने रहे। ये देखिए इसी प्रकार से हमको ये पहले ही ग्रुप की हमारी कॉइल है, दो कॉइलें तो हमने ऊपर डाल दी उस साइड, अब दो कॉइल इसके जस्ट सामने डलेगी। तो ये हमको इस प्रकार यहाँ पे डालना है। ये देखिए इस प्रकार से ये बैठ गई है। ये देखिए हमको ये इसके सामने बिठाना है, तो एक एक स्लॉट है ये खाली छोड़ना है ऊपर की साइड। ये देखिए बीच में यहाँ भी आठ खाली छूटेगी स्लॉट है। एक बार और बता दें हम आपको, ये बोराना कंपनी की मोटर है 7.5 HP की। ये वाली कॉइल भी हमको, ये पहले ग्रुप की हमारी लास्ट कॉइल है। ये भी हमको इस प्रकार से बिठाना है। ये देखिए दोस्तों हमारा ये एक ग्रुप चार कॉइल का एक सेट रहता है हमारा, एक सेट इसमें हमने कंप्लीट हो गया है। ये देखिए ये देखिए अब हम इसमें दूसरा ग्रुप बिठाएंगे। इस प्रकार से इसमें तीन ग्रुप डलते हैं, अभी दो सेट और डलेंगे, इसमें तीन सेट डलते हैं। एक सेट हमने डाल दिया है चार कॉइल का, और चार कॉइल के चार चार कॉइल के दो सेट और अभी इसमें डलेंगे। ये देखिए हमको दूसरा सेट यहाँ से डालना है, ये वाली स्लॉट में से यहाँ से डालना है। एक ये स्लॉट लेना है हमको, और चार ये छोड़ देना है, चार इधर खाली छोड़ के और यहाँ से लेना है। आठ स्लॉट बीच में छूटना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट करना है हमको। चार स्लॉट ये छूट जाएगी, चार बीच में ये छूट जाएगी खाली वाली, आठ फिर हमको लेना है, आठ दस पे बिठाना है इसको। सभी कॉइलों को हमको इसी प्रकार से सभी कॉइलों को हमको इसी प्रकार से सेट करना पड़ेगी, जब भी हमारे स्लॉटों में डलेगी ये स्लॉट के हिसाब से हमको ये सेट करना है इसको कॉइलों को। देखिए इसी प्रकार से
इनको बिठाना है। ये देखिए ये बैठ गई है सही से। ये देखिए हमारे दूसरे सेट की एक कॉइल हमने डाल दी है इसमें। अब दूसरी कॉइल जस्ट इसी के ऊपर से ये वाली स्लॉट में से और ये वाली स्लॉट में डालना है हमको। तो आइए हम डालते हैं फटाफट से जल्दी से। देखिए दूसरी कॉइल भी हमको इसमें डाल देना है इस प्रकार से। ये दूसरे सेट की हमारी कॉइल डल रही है दूसरी वाली। ये देखिए सारे वायर हमारे बैठ गए हैं इसमें। उस साइड से हमको इस प्रकार से ये हमको सभी में स्टिक डालना है। ये देखिए ये हमारी दूसरी कॉइल इसमें डल गई है हमने। अब हमारी वापस से इसके सामने दो कॉइलें बिठानी रहती है हमको। अब एक कॉइल यहाँ से डालेंगे हम और एक यहाँ पे ये वाली स्लॉटों में। ये देखिए ये कॉइल हम प्रकार से हमको डालना है। ये देखिए अब क्वाइल अच्छे से सेट करोगे जमाओगे तो आपकी क्वाइलें बहुत इजी तरीके से बैठ जाएगी। ये देखिए कितनी आसानी से बैठ रही है। ये हमारी दूसरे सेट की लास्ट कॉइल है। ये देखिए वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। हम आपको पूरी जानकारी देंगे इसमें, इसका डाटा भी बताएंगे हम अभी आपको और इसके टन गेज सारी चीज़ें बताएंगे। ये देखिए ये देखिए अब हमको दो सेट हमारे कंप्लीट हो गए हैं इसमें। अब तीसरा सेट हमको डालना है
वो यहाँ से डालना है हमको, एक यहाँ से डलेगा, यहाँ से लेके यहाँ पे, ये बीच में देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉयल है, मतलब 8 स्लॉट हमारी बीच में खाली छूटना चाहिए, 10 और 12 पे हमारा पिच आना चाहिए। ये देखिए, चलिए तो हम तीसरा सेट डालते हैं फटाफट जल्दी से। देखिए ये देखिए, तीसरे सेट की हमारी पहली कॉइल हम बिठा रहे हैं। इस प्रकार से हमको ये भी कॉइल बिठाना है। देखिए बहुत इजी तरीके से बैठ जाती है। आप करेक्ट वाइंडिंग करना सीख जाएंगे तो ये पीवीसी पेपर भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। ये देखिए, इसी प्रकार से हमको दूसरी कॉइल यहाँ से लेना है, ये वाली स्लॉटों से, इसमें हम पीवीसी पेपर डाल देंगे सही। और इसमें गेज रहेगा, वायर का गेज रहेगा 1/5 और इसके टर्न रहेंगे 20 और कनेक्शन रहेगा इसका स्टार। वन फाइव वायर डलेगा इसमें। इस प्रकार से हमको जमाना है कॉइलें। ये देखिए, देखिए देखिए, लास्ट ग्रुप की कॉइल हम बिठा रहे हैं। अभी 2 कॉइलें और हमको बिठाना रही है। इस प्रकार से सही से आप बिठाने के बाद में इस प्रकार से थोड़ा दबा देंगे कॉइल तो हमारी बाहर ही निकलेगी वापस से। ये देखिए, हमारी लास्ट ग्रुप सेट की लास्ट कॉइल डालनी रही है बस। ये देखिए, अब आखिरी कॉइल बची है हमारी जो डालना है हमको, इस स्लॉट में डलेगी है यहाँ से यहाँ पे, वो हम डाल लेते हैं जल्दी से फटाफट। अब ये हमारी आखिरी कॉइल है इस ग्रुप की।
ये देखिए हमने लास्ट कॉइल भी डाल दी है इसमें। ये देखिए हमारी मोटर वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। इस प्रकार से हमको वाइंडिंग करना है। ये देखिए एक बार आपको फिर से हम दिखा देते हैं इसकी।